सेल्फ प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कपड़े में जुरिया करनी है, अच्छी जुरिया कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, सेल्फ प्रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कपड़े में जुरिया हमें बहुत बार बनानी पड़ती है। जैसे कि हम लोग फ्रॉक सी रहे समझो, या तो ब्लाउज के हाथ के लिए लगेगा, बहुत सारे आइटम है, स्कर्ट है, उसमें भी प्लेट और या जुरिया या तो रिंकल, जो भी आप चाहे बोल दो। तो बहुत लोगों को जुरिया बनाने को सीधा मतलब एक जैसे आना चाहिए, वैसे प्लेट आता नहीं है। हमने उसके लिए एक टूल बनाया है। देखो, ये टूल कोई कीमती टूल नहीं है, एक हेक्सा ब्लेड से बनाया हुआ है, वो भी ख़राब हेक्सा ब्लेड हमने लिया है। देखो, ये आपको इसके हाथ ऊपर हाथ करेंगे तो मालूम पड़ेगा, एकदम ख़राब हुआ हेक्सा ब्लेड है। हेक्सा ब्लेड से हमने पूरा का पूरा हेक्सा ब्लेड यूज़ किया है। देखो, ये इधर एक होल है और यहाँ एक होल है, ये वाला एक होल है, ये वाला एक होल है। अभी हेक्सा ब्लेड कभी बेंड ऐसे नहीं होती, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले जितना भी पोर्शन में हमने राउंड किया है वो पोर्शन को गर्म करना है गैस के ऊपर। गर्म करने के बाद ठंडा होने दो, उसके बाद इसे जैसा चाहिए इतना डिस्टेंस छोड़ के ऐसा राउंड शेप दे दो। अभी ये तो बन गया टूल, अभी इसे फिटिंग कहाँ करेंगे? देखो, अपने मशीन में मतलब हाफ शटल मशीन में एक जगह है, ये वाली, देखो ये वाली जगह में एक स्क्रू है, जहाँ से ये कभी कभी धागा भी हम लोग वाइंडिंग के ऊपर करते, बॉबिन वाइंडिंग के लिए जहाँ से धागा लेते हैं वहाँ एक स्क्रू है। देखो, ये स्क्रू को आप खोल दो, एकदम खोलने में ईजी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये खोलने के बाद इसे निकाल के इसे भी आप रख सकते हो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और देखो, ये वाला होल बराबर ये स्क्रू में जाता है, और उसी साइज़ का हमने वो बराबर हेक्सा ब्लेड लिया है। इससे यही साइज़ का स्क्रू है और यही हेक्सा ब्लेड लेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, मतलब क्या होल करना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जैसे आराम से लगेगा ये। अभी देखो, इसे उसी जगह में इसे फिट करना है, वो भी हाथ से फिट कर सकते हो, बाद में इसे स्क्रूड्राइवर लगाना है। ये वाला हो गया, देखो अभी ये मूवमेंट देखो कैसे हो गया, ये आगे पीछे आगे पीछे, कैसे देखो, ये स्क्रू यहाँ है, इसमें हमने हेक्सा ब्लेड का जो अभी रिंकल टूल बनाया है उसे लॉक किया है, लॉक किया है, फिर भी ये मूवमेंट करेगा क्योंकि देखो आगे पीछे। बस आपको ये मूवमेंट जुरिया बनाने के काम आ जाएगी। कैसे, हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। कभी भी झुरिया बनाने के लिए हमें देखो, ये जो हिस्सा है ये हमने पकड़ने के लिए किया है, सिर्फ आपको एक करना है, टूल यूज़ करो या मत करो, मगर झुरिया बनाते समय मशीन के स्पीड में आपको कंट्रोल होना चाहिए। तो देखो, पहले थोड़ा सा आप चला दो, बाद में हम लोग आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखो टूल्स क्या काम कर रहा है, और चाहिए तो आप और भी बना सकते हो। एक जैसे सभी जुरिया है, और चाहिए तो और भी आप बना सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, मतलब जितने भी जुरिया आ जाएगी वो एक जैसी आ जाएगी। देखो, एकदम इजी हो रहा है, आप कितना भी फास्ट बनाओ, जैसे कि आपको प्रैक्टिस रहेगा,
ये टूल्स तो जगह पे है अपने, उसे कुछ होने वाला नहीं है और ना ही इसे हमने ख़रीदा है। देखो कितना भी आप जैसे जितना भी कपड़ा चाहिए वैसे झुरिया बना सकते हो, और इसे कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका काम हो जाएगा आप इसे निकाल के रख सकते हो। देखो ये 5 रुपये या 10 रुपये का एक सबलेट आता है, वो भी हम लोग नया यूज़ नहीं करना है, जो पुराना हो जाएगा उसे ही यूज़ करना है। और आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये तुरंत आ जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही काम है, ये वाला पोर्शन आपको बेंड करना है, ये वाला पोर्शन। तो ये नया टूल आपको कैसा लगा इसका हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। और अभी तक जो आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।